है, हो गया। ओम ज्ञानित मिराम दस ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर पद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। गतगल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा जब बंसी ध्वनि की जितने गोपियाँ थी और सबके सब घर छोड़ करके कृष्ण के चरण में उपस्थित हुई और कुछ गोपियाँ निकल नहीं पाई और उन लोगों ने कृष्ण को पर पुरुष रूप में उन्होंने कृष्ण को उन्होंने आलिंगन किया तो उनका अंदर में जो कमियाँ थी वो कमियाँ दूर हो गई और योग माया ने उनको शरीर को अप्राकृतत्व प्राप्त करके उनको कृष्ण का रासलीला में उनको प्रवेश अधिकार दिलवाया। जब उन्होंने ये प्रश्न जब बात बताए इतने में श्री परीक्षित महाराज वहाँ पर कथा सुन रहे थे और वहाँ पर कितने साधु थे बोले वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे वहाँ सबके सब कथा सुन रहे थे गंगा किनारे में बैठी करके जब कथा सुन रहे थे लेकिन वहाँ पर सबके सब भक्त नहीं थे। भक्त तो कुछ थे नारद व्यास पराशर परीक्षित महाराज ये सब भक्त लोग थे लेकिन और कुछ ऐसे जो लोग बैठे हुए थे जो ज्ञानी कोई कर्मी कोई जोगी कोई भोगी अलग 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 ऋषि हर तरह का ऋषि लोग बैठे हुए थे। अभी परीक्षित इनका नाम ही परीक्षित है बोले परीक्षित का मतलब क्या है इखित मतलब होता है जानना परी मतलब होता है सबको देख करके सभी का हृदय की बात को जो समझ जाए देख करके समझ जाए इनके हृदय में क्या क्या चल रहा है और ये क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या सोच रहे हैं तब इन सभी को हृदय की बात को समझ करके इतने में श्री परीक्षित महाराज ने बीच में एक प्रश्न कर दिया। इसलिए उन्होंने प्रश्न की ऐसे नहीं कृष्ण तो भगवान है वो सर्वसमर्थ समर्थ है जीव का जो असली जो पति श्री कृष्ण है और कृष्ण प्रेम करना ही कृष्ण को यही जीव का परम धर्म है क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास जीव का जो स्वरूप है सबके सब कृष्ण का ही नित्य सेवक है। कृष्ण भक्ति करना ही जीव का एकमात्र परम कर्तव्य और कोई कर्तव्य जीव का है नहीं है इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसलिए कृष्ण कहते तुम सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ
अरे पाप नहीं लग गया फिर? भाई बंधु पुत्र परिवार, फिर हम कितने सारे देवा देवियों को अभी तक तो पूजा कर रहे थे, हमारे मन में शंका हो जाता है ना, अगर इन देवा देवियों को अगर पूजा छोड़ दिया नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देवी मैया तो नाराज नहीं हो जाएगी, भोले भावा तो नाराज नहीं हो जाएंगे, फिर हनुमान अगर बिगड़ गए गदा उठाकर मारेंगे, और श्री कहते श्री गणेश जी अगर नाराज हो जाए तो सूढ़ वाला हाँ, फिर तो सूढ़ भी उठा कर कहीं फेंक देंगे। हमारे मन में तरह तरह की शंका है, इसलिए कृष्ण कहते हैं माँ सोचो कोई चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले अहम त्वाम सर्व पापे मुक्षयिष्यामी, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करा दूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए इसी जगत में आने पर जीव को छह ऋणी उतारना पड़ता है। बोले छह ऋणी किया? बोले देवताओं का ऋणी, क्योंकि हवा देने वाले वही, बरसात देने वाले वही, गर्मी देने वाले वही है, इसलिए हम देवता का चरण में ऋणी, ऋषियों का चरण में ऋणी। ये ज्ञान हमें किसने दिया? ये गीता भागवत रामायण वेद पुराण हमें किया दिया? ऋषियों ने दिया है। जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन इसका ज्ञान ऋषियों ने दिया। फिर जीव ऋणी, जगत में जन्म लेने पर सबका है, सबका मदद हम लेना पड़ता, भाई बंधु पुत्र परिवार ये सबके सब हम प्यार देते हैं, लाड लड़ाते हैं, इसलिए इनका ऋणी है। फिर राजा ऋणी, राजा नहीं होगा तो जगत में अराजकता फैल जाएगी। एक दिन पुलिस स्ट्राइक कर दे, मार पीट लड़ाई दंगा झगड़ा चोरी सब शुरू हो जाएगी, क्यों? कोई बोलने वाला नहीं होगा है। इसलिए हम राजा ऋणी और हम श्री पिताजी की और माताजी की ऋणी है। कहते माताजी की ऋणी इतना है बताए है? माताजी की ऋणी इतना बताए, बोले भले ही तुम 100 करोड़ जन्म लेकर के उनकी सेवा करो ना, मैया का ऋणी से कोई उतर नहीं सकते, क्योंकि 9 महीना तक मैया गर्भ में धारण करती है, प्रसव पीड़ा सहन करके बच्चा जन्म देती है, रात भर बच्चा रोता है उसको, इसको पता होगा, रात भर रोता है, सोने नहीं देता बच्चा है, फिर अगर पेशाब कर दिया तो स्वयं गिल्ली में सोती हैं, बच्चे को सूखा में सुलाती हैं, मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को हम खिलाते हैं, इसलिए हम बहुत बहुत ऋणी बच्चों को है। इसलिए कहते पिता माता का ऋणी ही एक जीवन में वो चुका नहीं सकता, फिर इस सबका ऋणी रह गया, फिर क्या करें? लेकिन भगवान कहते हैं सर्वात्मनाजम शरणम शरणम, अगर कोई संपूर्ण रूप में मेरे शरण में आ जाए, सबके सब उसका सारे ऋणी अपने आप चुक जाएगा। क्यों? बोले जितने देवा देवी जितनी ये दुनिया है ना, सबके सब कृष्ण से ऋणी लिए हुए, भगवान से ऋणी लिए हुए हैं, भगवान से ऋणी लिए। इसलिए जब भगवान कृष्ण के शरण में हम आ जाते हैं, वो अपने आप जितने देवा देवी है ना, बोले भैया तुम सारे ऋणी से तुम्हारी मुक्ति हो गई, तुम्हारी सारे ऋणी से मुक्ति हो गया। बोले क्यों? बोले हम सबके सब कृष्ण का बल से हम बलवान हैं, कृष्ण का ऋणी से हम ऋणी हैं। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, पहले एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, वो दो व्यक्ति गुरुजी के पास में कथा सुनने आते थे, एक था पैसा वाला और एक था निर्धन, एक के पास में बहुत पैसा था और एक मजदूर काम करता था, लेकिन जो मजदूर काम करता था उसने पैसा वाला से उसी समय में 500 रुपया उसने ऋण लिया, उसमें 500 रुपया की बड़ा कीमत है। अभी दोनों कथा सुनने के लिए आते थे, अभी जो गरीब था कथा सुनते 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 इसके मन में भावना आई, भगवान कितना दुर्लभ जीवन दिया, ये जीवन को विषय में गमा नहीं करके गुरु जी की चरण की अगर हम सेवा करते हैं, हरि जीवन धन्य हो जाएगा। हरि कथा सुनते सुनते ये ज्ञान हुआ। एक दिन गुरु जी के पास में आए, बोले गुरु जी मेरे मन में इच्छा है आकर के आपका श्री चरण में रहे आश्रम में, और आपकी चरण की सेवा करते करते और जीवन को हम धन्य बना दे। बोले कोई बात नहीं आ जा। बोले गुरु जी एक समस्या। बोले क्या समस्या? बोले आपका जो अमुक शिष्य है ना, जो पैसा वाले, उससे मैंने 500 रुपया दिया है,
अगर मैं जिंदगी भर कोशिश करूं वो 500 रुपया ऋणी चुकाने के लिए, हम कभी जिंदगी में ऋणी चुका नहीं सकते, क्योंकि उस समय 500 रुपया कितना कीमत था, हम तो कभी चुका ही नहीं सकते। इसलिए फिर मैं कैसे आपका शरण में आऊं? तो गुरु जी ने कहा बेटा कोई चिंता मत करो, वो मेरे शिष्य है, मैं उसको बोल दूंगा तुमको 500 रुपया बिल्कुल उसको तुम्हें माफ कर देगा, इसलिए तब तक तू आ सकते। बोले गुरु जी आपको तो बड़ी कृपा होगी। तब वो पैसा वाला शिष्य आए, बोले तो गुरु जी ने कहा बेटा उसने तुमसे 500 रुपया लिया है? बोले हाँ लिया। बोले उसकी मन में इच्छा हो रही है वो आकर के आश्रम में रहे और हमारी सेवा करे, तुम उसको 500 रुपया छोड़ दोगे? बोले गुरु जी आपका ये कोई आदेश देने का बात है, हम दोनों कथा सुनने के लिए आते हैं, अभी तक मेरे हृदय में ये भावना नहीं आई गुरु जी की शरण में आकर के संपूर्ण जीवन गुरु सेवा में लगाए, मेरी हृदय में ये भावना नहीं आई। लेकिन कम से कम उसकी भावना तो आई, अगर वो कम से कम आपकी सेवा करेगा ना, कम से कम ठाकुर तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए 500 रुपया किया, 500,000 रुपया होता अभी तभी उसको मैं छुटकारा दिला देता। इसलिए तो गुरु जी ने संतुष्ट हो गए, बोले बेटा तू आ जा। तो गुरुदेव इसका उदाहरण देते थे कि जो विश्व ब्रह्मांड है ना, सबके सब ऋणी किससे लिए हुए? भगवान कृष्ण से, सबके सब कृष्ण से ऋणी है, हैं? सारे शक्ति ब्रज पौरस सब कुछ सबके सब भगवान कृष्ण से लिए हुए है। कृष्ण अगर सबसे हैं, अगर सबका चीज ग्रहण ले लेना, सबके सब पावर ले ले, सबके पावर खत्म हो जाएगी, सबके सब सारे पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कोई व्यक्ति संपूर्ण कृष्ण शरण में आ जाए उसका सारे ऋणी अपने आप भगवान सब देवा देवी अपने आप उसको छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हाँ, इनके हृदय की बात को समझ रहे थे। ये जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए कृष्ण कैसे बंसुरी बजाए, और जो दूसरी दूसरी गोपियां जिनका पति था, जिनका पति जगत में थे, पुत्र पति परिवार था, कृष्ण बंसी बजा करके सबको उन्होंने अपना पास में बुलाए, और उन लोगों ने जब कृष्ण को आलिंगन की, पर पुरुष रूप में आलिंगन की, हैं, आलिंगन की, और कृष्ण को पास में आए और कृष्ण ने सबको साथ में रास किया। बोले जगत में कृष्ण क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं जगत में? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसलिए कृष्ण आते हैं अधर्म को नाश करने के लिए, जगत में धर्म को स्थापन करने के लिए जगत में कृष्ण आते हैं। और कृष्ण बंसुरी बजाए, फिर ये गोपियां यहाँ पर आई हैं, इसलिए और यहाँ पर आई और कृष्ण सबको साथ में रास रचाए, और यहाँ पर सब ज्ञानी कर्मी जोगी भोगी यहाँ पर सबके सब बैठे हुए हैं, इनके मन में क्या भावना आएगी, इनके भावना में क्या आएगी? कृष्ण धर्म स्थापन करने के लिए आए और पराई गोपियों को लेकर कृष्ण रास रचाए, इनके मन में ये शंका आ सकती है। इसलिए उनकी मन की भावना को समझ करके, शंकाओं को समझ करके यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, बोले कृष्णम विदु परम कांतम नतु ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाह परम अस्त्वासाम गुणाधिकम कथम। तो उन्होंने ये प्रश्न किए, बोले जो गोपियों को ये ज्ञान नहीं था ये कृष्ण कौन है, बोले कृष्णम विदु परम कांतम, उनको ये ज्ञान नहीं था कृष्ण ही ईश्वर परम, कृष्ण सचिदा नंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, कहते उनको ये पता नहीं था ये सर्व कारण का कारण कृष्ण ही है, उनको ये बात पता नहीं था। जब इनको ये पता नहीं था कृष्ण परम पुरुष है, लेकिन इन लोग ने जब कृष्ण को मन मन में आलिंगन किया, फिर इनकी जो जो शरीर है, हाँ, जो गुणयुक्त जो शरीर है ये दूर कैसे हो गया, ये दूर कैसे हो गया, हाँ?
इसलिए उनको तो पता नहीं था ये कृष्ण है। फिर उन्होंने जो आलिंगन किया उनको गुणमय दया उनने कैसे कैसे उन्होंने गुणमय दया को उन्होंने त्याग कैसे किया है, जब उन्होंने ये प्रश्न करते हैं कहते ये प्रश्न सुन करके यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी थोड़ी सी उनको मन में क्रोध आ जाता है, यानी कि मन में क्रोध आ जाता है। बोले क्रोध क्यों आ जाता है, बोले इतना समय सब तक इसको इतने सब ज्ञान की बात सुना सुनाता है, पहले इनको मैंने सुना चुका हूँ, बोले पहले उन्होंने क्या सुना चुका है, बोले उत्तम पुरस्तात ते चैद सिद्धिम यथागत विद्वसना ऋषिकेशम किमताम अध्यक्ष प्रिया। कहते पहले मैंने तुमको सुना करके एक प्रसंग सुना करके आए, बोले कौन सा प्रसंग है, कहते शिशुपाल और दंत वक्र, शेदी राजा श्री शिशुपाल और दंत वक्र। कहते जो जो शिशुपाल था उसने कृष्ण को उन्हें विद्वेष करता था, कृष्ण को विद्वेष करता था, इसलिए जब उसने जन्म लिया वो चार हाथ ले रूप में जन्म लिया, चार हाथ भुज लेकर के उसकी माँ तो देख करके बोले बच्चा का तो दो हाथ होता है, इसका चार हाथ कैसे, वो तो डर गई। और यहाँ पर और एक आँख है, सबका दो आँख होता है और उसका तीन आँख से जन्म लिया, वो तो डर गई कैसे अजीब सा बेटा है, हाँ अगर ऐसे बेटा किसको जन्म हो जाए तो डर जाएंगे, राक्षस भाग्यस तो नहीं है। इसलिए अभी आकाशवाणी हुई, बोले देखो इनको जो आए सबका गोद में इनको दो, गोद में देते देते जिसकी गोद में ये जाते ही इसकी दो भुजा गायब हो जाएगा और एक आंख उसकी गायब हो जाए, समझना उसके हाथ में इसकी मृत्यु होगी। अभी एक एक आ रहे थे क्षत्रिय, सबका हाथ में उसकी मैया दे रहे थे सबको हाथ में, लेकिन जब कृष्ण आए जब उनको हाथ में दिया ना, देते ही एक आंख गायब और जो चार हाथ था दो हाथ गायब हो गया। फिर तो उसकी माँ को पता चला भैया ये कृष्ण को हाथ में ये मरने वाले। इतने में उसको माता जी ने कृष्ण से प्रार्थना की, बोले कृष्ण ये आकाशवाणी हुई थी ऐसे ऐसे बात है, तू इसको मारोगे, कृष्ण का संबंध ही लगते हैं, बोले तू इसको मारोगे। कृष्ण ने कहा देखो बुआ जी मैं तब तक इसको नहीं मारूंगा अगर वो 100 गाली दे ना मेरे को मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर 100 से एक ज्यादा अगर गाली दे दिया फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने सोचा भैया अगर हम किसको गाली दे सकते, कितना गाली दे सकते बताओ, 1 2 नेंसेस टू पीट, हाँ अगर हम किसको बोल सकते ना, अब देखना 5 6 7 8 10 से तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलेगा, इसे ज्यादा गाली नहीं निकलेगा। उनने कहा थोड़ी कोई 100 से ज्यादा खड़ी गाली दे सकता है, ये तो असंभव है। मतलब कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय में जिस समय में रास हुए यज्ञ हो रही थी, रास हुए यज्ञ में जहाँ पर सारे बैठे हुए थे, सारे राजा लोग बैठे, बड़े बड़े सब राजा बैठे हुए थे, जिसमें से युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में अभी वहाँ प्रश्न आया सबसे पहला पूजा किसकी होगी, सारे यहाँ पर देवता बैठ सारे राजा बैठे हुए ऋषि मुनि लोग बैठे हुए, सबसे पहला पूजा किसकी होनी चाहिए। इतने में सहदेव ने कहा अगर किसकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए केवल वासुदेव कृष्ण की, इनको हैं इनकी बराबर यहाँ पर कोई हो सकता है, इनकी बराबर जगत में कोई नहीं, जिसके को उपनिषद में बताया न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते। कृष्ण के लिए कहते हैं कृष्ण कौन है, बोले उनके उनसे बड़े की बात छोड़ दो, जगत में उनकी बराबर भी कोई नहीं हो सकता है, इसलिए उनको बताया असमर्थ तत्व। असमर्थ मतलब है उनकी बड़े की बात छोड़ दो उनकी बराबर भी जगत में कोई हो ही नहीं सकते, कृष्ण असमर्थ तत्व है। सबसे पूजा इनकी होनी चाहिए। वहां पर शिशुपाल था, इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले ये ग्वाला का पूजा तुमने कैसे बोल दिया, ये ग्वाला का पूजा होगा, यहाँ पर श्री व्यास देव बैठे हुए, यहाँ पर श्री पराशर ऋषि बैठे हुए, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए, यहाँ पर श्री हैं यहाँ पर श्री पितामह भीष्म बैठे हुए और इतने बड़े बड़े
द्रोणाचार्य जो गुरु जी बैठे हुए और इतने बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए और तू बीच में बोल दिया ये ग्वाला बचपन से गैया चराया करता था, हमने सुना बचपन में गोपियों को घर घर में क्या मक्खन चोरी करता था हैं? फिर दूसरा गोपियों को साथ में उसने नाचने जाया हैं? इसको साथ में उसने तो गाली को ऊपर गाली गाली को ऊपर गाली देने लग गया। इतने में इसको सुन करके ना वहां पर जितने लोग थे सबके सब नाराज हो रहे थे हैं? सब नाराज हो रहे थे। भीमसेन तो गधा लेकर खड़ा हो गया, अर्जुन धनुष लेकर खड़े हो गया, बोले उसको आगे बढ़ोगे तो जान से खत्म कर दूंगा। इतने में कृष्ण ने कहा, कृष्ण आंख बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। इतने में श्री बलदेव प्रभु कह रहे हैं, बोले कृष्ण तेरे को ऐसे ऐसे गाली दे रहा है दाव बलदेव पर तो घाल मुसल उठा लिए, बोले अभी चकना चूरी तेरे को कर देता हूँ। लेकिन कृष्ण बैठ के बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। श्री बलदेव प्रभु ने सबको चुप करा रहे थे, बोले तू चुप करा रहे हो तेरे को देख नहीं रहा है सभी को सामने तेरे को ऐसे गाली दे रहा हूँ, बोले मैं देख नहीं रहा हूँ मैं गिर रहा हूँ बोले मैं गिन रहा हूँ, बोले क्या गिन रहे हो, बोले मैंने इनको माता जी को मैंने ये बात दिया है 100 गाली तक मैंने उसको माफ कर दूंगा, लेकिन अगर 1 से अगर 1 ज्यादा हो गया ना फिर तो मैं माफ नहीं करूंगा। जब इतने बोले फिर शिशुपाल का और क्रोध आ गया, बोले तू क्या करोगे, सबको सामने में खड़े होकर गाली देते रहूंगा और तू सुनते रहोगे तू मेरे कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने में उन्होंने जो 100 हो गया बोले आगे और नहीं बढ़ना, और 1 बढ़ा तो बस तेरे खत्म कर देंगे। फिर उसको और भी क्रोध आया और क्रोध आया, बोले मैं सब जानता हूँ तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, बोले कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाया, फिर सुदर्शन चक्र आया और देखते देखते उसको गला को उन्होंने काट दिया है, गले काट दिया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, पहले तेरे को मैं सुना करके आया नहीं, जो शिशुपाल है कृष्ण को द्वेष करता था जिंदगी भर गाली दिया द्वेष किया। अगर एक द्वेष करने वाले व्यक्ति गाली देने वाले व्यक्ति अगर भगवान उसका भी कल्याण कर सकते हैं, लेकिन जो गोपियां कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी हैं, कृष्ण को अपना प्यारे मानती थी प्रियतम मानती थी, उनका कल्याण नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा, उनका जरूर भगवान उनकी कल्याण करेंगे। एक द्वेषी व्यक्ति को भी जो कल्याण कर सकते हैं, इसलिए भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के लिए कहते हैं, जब कृष्ण पुतना को मार डाले लास्ट में कहते हैं हैं, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया पि हरे स्तनम दत्वा अपसद गति। कहते कृष्ण भक्ति करना है ना, कहते भैया इधर उधर देवा देवी को भक्ति मत करो, भक्ति करना तो किसको भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। बोले क्यों कृष्ण भक्ति करेंगे, और भी तो सब, और भी तो भगवान है, और भी तो देवा देवी है, फिर हम कृष्ण भक्ति क्यों करें। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते भैया जो पुतना थी, देखो पहला नंबर पुतना, पुतना मतलब क्या, पुतना, पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं थे अपवित्र। और दूसरा नंबर राक्षसी, तीसरा नंबर बच्चों को खून पीती थी, चौथा नंबर भगवान के लिए जहर लेकर गई थी, जिसको अंदर में इतने दुर्गुण ही दुर्गुण, कोई गुण है ही नहीं, लेकिन कृष्ण इतने दयालु ये सारे दुर्गुण से भी एक गुण उन्हें छांट लिया। बोले कौन सा गुण छांट लिया, उनने जब 1 सेकंड के लिए कृष्ण को पुत्र रूप में देखा, बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में सुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर प्यार देनी चाहिए। उनने 1 सेकंड के लिए कृष्ण को केवल पुत्र रूप में दर्शन किया, 1 सेकंड के लिए देखा, कृष्ण इतने में ही रीझ गए और उसको कहाँ भेज दिया, उतना जैसे व्यक्ति को कहाँ भेजा, गोलोक वृंदावन में धाई मैया की स्थान दे दिया, बात्सल रस की स्थान दे दिया उसको, इतने बड़े पद कृष्ण दे दिया गोलोक वृंदावन में हैं। बोले किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्ण या परमात्मनि, अगर कृष्ण को अगर श्रद्धा प्रेम से अगर भक्ति करेगा तो भगवान उसको क्या नहीं देंगे,
उसको कृष्ण को उन्होंने भगवान उसको क्या नहीं देंगे हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते पुतना, पुतना मतलब जो अपवित्र थी, भगवान अगर उसको इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, अगर जैसे आप लोग सवेरे आए हो नहा धो करके तिलक लगा करके हाँ नए वस्त्र पहन करके धुला हुआ वस्त्र पहन करके सवेरे सवेरे आरती दर्शन करने के लिए आए हो, कहते भैया जो अपवित्र थी अगर भगवान इतना बड़ा पोस्ट दिया, अगर ठाकुर के पास में कोई नहा धो करके तिलक लगा कर कपड़े पर नया कोई हाँ वस्त्र पर धुले ही वस्त्र पहन करके आए तो भगवान उसको क्या देंगे। पहला नपुतना, दूसरे में राक्षसी, अगर एक राक्षसी भगवान को पास में आने पर ठाकुर जी उसको इतने बड़े स्थान देते हैं, अगर कोई इंसान आए नहीं तो उनका कोई भक्त लोग आए, कोई भक्त लोग आए हैं, अगर राक्षसी को ऐसे दे सकते हैं अपना कोई इंसान, अगर कोई उनका भक्त आए पर भगवान उसको क्या नहीं दे सकते। तीसरा नंबर है कृष्ण के लिए लाई थी किया, बोले 20 जहर लेकर के आई थी, अगर कृष्ण के लिए जो जहर लेकर के आए अगर कृष्ण उसको इतना बड़ा पोस्ट दे सकते हैं, अगर कोई कृष्ण के पास में खाली हाथ से आए कुछ नहीं लाए केवल खाली हाथ से आए पर उसको क्या नहीं देंगे, नहीं तो कृष्ण के पास में आए उनके लिए एक सुंदर फूलों की माला लेकर के आ जाए, नहीं तो उनके लिए कोई एक फल लेकर के आ जाए है? नहीं तो उनको जो प्रिय चीज था मक्खन मिश्री लेकर के आए, ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे हैं? उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो जिंदगी भर कृष्ण को जो द्वेष किया, कृष्ण को गाली गलौज जो जिंदगी भर करते रहा, कहीं भी हैं कहीं भी कोई कृष्ण का थोड़ी सी किसी विषय पर कहीं हिंट थोड़ी सी आ जाए गाली पर गाली गाली गाली, जो व्यक्ति गाली उनको प्रदान किया फिर तो हाँ द्वेष, कहते विमुच्यत अध्यक्ष जब प्रिया, और ये कौन है गोपियां, बोले भगवान कृष्ण की जो प्रिया है तो भगवान इनको फिर क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। तो इसको तीसरे श्लोक में कहते हैं, बोले भैया कृष्ण जो जगत में आए क्यों आए, आने का क्या कारण है, बोले निर्णाम निश्रषार्थाय व्यक्तिर भगवत नृप अभयस्या अप्रमेयस निर्गुणस्य गुणात्मन। कृष्ण जगत में क्यों आए, इसलिए गुरुदेव कहते थे कृष्ण जगत में आने का दो कारण है, एक उनका मुख्य कारण है और एक उनका गौण कारण है। जो गौण कारण में गुरुदेव कहते थे गौण कारण में भी करके 10 कारण है कृष्ण जगत में क्यों आए, 10-11 कारण गुरुदेव बताया करते थे जगत में कृष्ण क्यों जगत में आए। बोले कृष्ण कौन है, बोले अभयस्य, भगवान अभय जो खंड खंड नहीं होते जो अभय है हैं? और कृष्ण कौन है, बोले अप्रमेयस्य जो अप्रमेय है, और कौन, बोले निर्गुणस्य भगवान 3 गुण से भगवान अतीत है, और गुणात्मना जो अप्राकृत दिव्य गुण युक्त भगवान। लेकिन होते हुए भी भगवान, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना हे अर्जुन, बोले अजो पिसर्न अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर पिसन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कृष्ण कहते हे अर्जुन मैं कौन हूँ, बोले अज, अज मतलब जिसका जन्म नहीं, जिसका जन्म नहीं, बोले लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले क्यों जन्म लेते हो अजन्मा होते हुए भी हैं? सन अभय आत्मा, वहां पर भी गद में अभय आत्मा, लेकिन फिर जन्म क्यों लेते हैं भगवान? हाँ अजो अपि सन अभूतानापि ईश्वर अपि सन, मैं कौन हूँ, सब जीवों का मैं ईश्वर हूँ, लेकिन होते हुए भी मैं जन्म क्यों लेता हूँ, कारण किस लिए जन्म लेता हूँ किस लिए? बोले कारण है, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम करमी विविध क्रिया, मैं केवल भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए उनके ऊपर में कृपा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। अगर भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते, अभी जो बैठ करके हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुनते फिर माया के बेटा बेटी नाती पोती दुनियादार की बात हम
बैठ करके दुनिया की चर्चा करते, भगवत चर्चा हम नहीं करते। इसलिए भगवान अजन महत्वीय भी जन्म लेते हैं, हम लोगों के ऊपर में कृपा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम जो देखते हैं जो कृष्ण बोलते हैं ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतां। आ क्यों आते हैं बोले, दुष्कृत दुष्टों को विनाश करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए और साधुओं को परित्राण करने के लिए। तो यहाँ पर कहते भैया ये बात हमने समझ गया, दुष्टों को विनाश करने के लिए, बोले संतों को परित्राण करने के लिए। बोले संतों को क्या परित्राण करेंगे, संत तो पवित्र है ही है। कहते जो भक्त है ना, कहते भक्तों को परित्राण करने के लिए, बोले भक्तों को क्या परित्राण करें, भक्त तो हर समय पवित्र है, भक्त हर समय पवित्र, उनको अपवित्र कभी नहीं होते हैं। जो हर समय हृदय में भगवान को ध्यान करते हैं वो थोड़ी कभी अपवित्र हो जाते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले अनुवर्जामि अहम नित्यम पुएत अंग्रि अनुभि, मैं भक्तों को पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों, बोले उनका चरण धूल उड़ करके मेरे सर पर गिरे और मेरा जीवन पवित्र हो जाए। बोले आप खुद कहते हो संतों को पीछे पीछे चलता हूँ, संतों का चरण धूल पाकर पवित्र होने के लिए, लेकिन आप यहाँ कह रहे हो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को परित्राण करने के लिए। साधुओं को क्या परित्राण करोगे, साधु तो परित्राण हर से, वो इतने पवित्र तुम्हें भी पवित्र कर देते हैं। कहते भक्त इतने पवित्र है, कहते भगवान को भी भक्त पवित्र, भक्त भगवान कर देते हैं। फिर आप परित्राण क्या करोगे, परित्राण क्या करोगे। तब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ जो परित्राण की बात आता है ना, बोले जो भक्त लोग कृष्ण विरह में तड़पड़ाते, प्रभु का कब दर्शन मिले, प्रभु का दर्शन कब मिले, प्रभु हमें दर्शन कब देंगे, इसलिए उनका जो विरह है, हाँ, भक्तों के हृदय में जो विरह है, जैसे गोपियों ने गोपी गीत गाए, हाँ, गोपी गीत कृष्ण विरह में गोपी गीत गाए तो कृष्ण गोपियों के बीच में बोले तासाम अभिभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी सख्यात मनमथ मनमथ। जब गोपियों ने बैठ करके गोपी गीत गाए, कृष्ण को ढूंढ रहे थे, कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ, बोले देखो उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुते न। कहते भगवान को प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते, मेधा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। बोले कैसे प्राप्त कर सकते हो, बोले जमे भय से भृणुते तेन लभ्य। जब भगवान कृपा करे किसको पास में अपना आत्म प्रकाश करे, अपने आप को प्रकाश करे, तभी आप उनको पहचान सकते हो, नहीं तो अपनी विद्या बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। बोले भगवान को कैसे पा सकते हैं, उनको पाने का उपाय क्या, बोले एक उपाय है, क्या है, केवल हरि कीर्तन है। कृष्ण को खुद कृष्ण कहते हैं मेरे को अपना मेरा भजन अत्यंत प्रिय, बोले परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण को उसका भजन बड़ा प्रिय है। चलो हम जमुना किनारा बैठ करके उनके हम भजन करते हैं, उनकी गीत गाते हैं। जब गीत गाए बस कृष्ण दर्शन दे दिया, कृष्ण दर्शन दे दिया। लेकिन कृष्ण जब दर्शन दिया है ना, कृष्ण किस रूप में दर्शन दिए, किस रूप में दर्शन दिए, तब उन्होंने उदाहरण दिया, कृष्ण ऐसे दर्शन दिया जैसे कोई एक अपराधी है, जैसे कोई एक अपराधी जब अपराध करता है ना, कहते भैया सबको सामने माफी मांगो, तुमने अपराध किए सबको सामने तुम माफी मांगो, वो क्या करता है, गले में जो गलबे ही नहीं है ना, गले में जो गलबे ही नहीं आ डाल करके, और ऐसे करते हुए, हाँ ऐसे करते हुए माफी मांगता है। आपके पास में वो एक फोटो बनाए ना, रासरी लगा देखे होंगे उसमें, कृष्ण जब गोपियों ने गोपी गीत गाए, कृष्ण जब आए ऐसे हाथ जोड़ करके, कृष्ण ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे अपराध जैसे, हाँ अपराध जैसे हाथ जोड़ करके, हे गोपियां मेरे अपराध को दूर कर दो। कृष्ण कहते हैं तुम लोग ये मत समझो मैं तुमको भूल गया था, मैंने तुमको भूला ही नहीं। बोले हे राधे, तुमने जो अपना हाथों से जो एक फूल की माला जो बनाई थी ना, देखो मेरे गले में वही फूल की माला, अभी तक वो माला मैंने नहीं उतारा, मतलब तुम्हारे प्रेम में मैं बसीभूत हूँ, इसलिए ये मत समझो और किसी गोपी का सखी का माला मैंने गले में पहन लिया, मैं तुम्हारी बनाया हुआ माला अभी तक भी मेरे गले में अभी है। इसलिए कृष्ण जैसे अपराध ही जैसे कृष्ण बीच में प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण जगत में आने का
उसमें दो कारण है, एक मुख्य कारण है और एक उसमें कौन कारण है, गौण कारण है। जो गौण कारण है, जो गौण कारण से जगत में प्रकट होते हैं दुष्टों को विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापन करने के लिए, ये के लिए आते हैं। लेकिन उनका जो असली कारण है, तो यहाँ विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं ये दुष्टों को मारना और ये धर्म स्थापन करना ही भगवान का, कृष्ण का काम नहीं है। क्योंकि कृष्ण अपना अवतारों को द्वारा, जैसे मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम, जो दूसरे दूसरे जो अवतार आए हैं, कृष्ण इनको द्वारा और कभी कभी अपना भक्तों को द्वारा जगत में धर्म को स्थापन कर देते। जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी आए, श्रील प्रभुपाद आए, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज आए और हमारे गुरुवर्ग आए, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए हैं और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आए। देखो ऐसे एक प्रभुपाद जगत में आए, घर घर में कीर्तन कर रहे हैं, घर घर में बैठ कर हरि कथा हो रही है, ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ये काम तो प्रभुपाद ने कर दिया, कहते उनका भक्तों का भक्तों का भक्तों का ये सब काम कर दिए हैं, ये सब काम कर लिए। इसलिए कहते भैया कृष्ण का ये सब काम नहीं, कृष्ण तो अपना सेवक के सेवक को द्वारा उन्होंने ये जगत में धर्म स्थापन कर देते हैं। बोले कृष्ण का क्या काम, बोले कृष्ण का एक ही काम है, वो केवल गोलोक वृंदावन में अपना सखियों को साथ में, अपना गोपों को साथ में, अपना प्रियाओं को साथ में कृष्ण नित्य उनको साथ में विहार करना, उनको साथ में लीला करना, कृष्ण का ही काम, और कृष्ण का कोई काम नहीं। क्योंकि कृष्ण विदग्धता है, कृष्ण लीलामय है, कृष्ण रस स्वरूप है, कृष्ण वैदग्धता स्वरूप है, कृष्ण आनंद स्वरूप है। कृष्ण तो गोपियों को, राधा जी को, सखाओं के साथ में नित्य लीला करते रहते, उनका ऐसे काम नहीं। उनका सेवक है, सेवक इस सारे काम को इस सब के सब कर देते हैं। इसलिए बोले निर्णाम निश्चयार्थम व्यक्ति भगवत नृप, कहते हैं जब भगवान कृष्ण इस जगत में जन्म लेते हैं, जन्म लेने पर क्या होता है, बोले निर्णाम निश्चयार्थम, कहते लोगों की कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं। जब भगवान जगत में जन्म लेते हैं, जैसे कृष्ण जब जन्म हुए, महाप्रभु जब जन्म हुए, जब राम जन्म हुए, उसमें साधारण लोग भी थे, वो लोग साधारण लोग भी थे, उन लोगों ने साधारण लोग उनको एक रूप में दर्शन किया है। जैसे कृष्ण जब कंस का रंगशाला में प्रवेश किया, कहते एक साथ में कृष्ण को शरीर में 12 रस प्रकट हुआ। कितना रस प्रकट हुआ? 12 रस प्रकट हुआ। जो माताएं थी ना, वो तो देख रही थी कृष्ण का अभी दूध दांत ही नहीं टूटा, क्योंकि कृष्ण का उम्र 11 साल का था ना, बल्कि उसका दांत दूध दांत ही नहीं टूटा। और जो स्त्रियां थी वो क्या देख रही थी, बोले भगवान ये सख्यात काम देव है, क्या रूप है। लेकिन वहां पर जितने वहां पर सब ऋषि लोग थे, बोले भैया यही परतत्व है। जो वहां पर जो ज्ञानी लोग थे, कहते ये परतत्व है। कहते कंस की स्वरूप में देख रहा था, बोले ये सख्यात भोजर भृगुपते, वो देख रहा था ये सख्यात ये मेरी काल है। कहते वहां पर जितने योद्धा थे वो किस रूप में देख रहे थे, वो देख रहे थे बोले भैया ये तो बलवान में भी बलवान है, बलमाल भी बलवान ही है। इसलिए कहते वहां पर जितने लोग थे वो किस रूप में देख रहे थे, बोले सर्वश्रेष्ठ ये राजा है, सर्वश्रेष्ठ ये राजा। इसलिए कहते ना जिसकी भावना रही जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी, जिसके अंदर में जैसे भाव है ना, कृष्ण को उसी रूप से उनका दर्शन करते। जैसे तुम्हारी भावना हो, कृष्ण एक है लेकिन उसी रूप में कृष्ण को दर्शन करते हैं। इसलिए जिस समय भगवान जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, उसी समय में भगवान अव्यय अप्रमेय निर्गुण और गुरात्मा नहीं, लेकिन जिसकी अंदर में जैसे भावना कृष्ण को, उन्होंने उसी भाव से ही कृष्ण को दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते विशेष करके उनको 5 तरह का भक्त 5 रूप में उनको प्राप्त करते हैं। कितना रूप में? 5 रूप में। बोले वो कौन कौन है, तुम लोग का समय हो गया ना, अभी आप लोग सब काम में जाओगे ना, नहीं जाओ, और 5 मिनट सुन लो, ठीक है, और 5 मिनट सुन लो फिर चले जाना, फिर आज रात को फिर तुम सोओगे नहीं आज रात को, ठीक है। इसलिए कहते हैं इनकी 5 तरह के भक्त उनको 5 रूप से प्राप्त करते हैं।
बोले कौन कौन रूप है, बोले कामम क्रोधम भयम स्नेह ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यहरम विदधतो जानती तन्मयता ही तो। यहाँ पर कहते बोले कामम का तो उनका काम को द्वारा भी प्राप्त करते हैं, बोले इसलिए कोई बोलते हैं ना अरे काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बोले छोड़ो नहीं जोड़ो, कहते छोड़ने का जरूरत नहीं क्योंकि ये दुनिया किसने बनाया, भगवान बनाया दुनिया, उसका है दुनिया है, तुम क्या छोड़ने का, तुम मालिक कौन हो, बनाया किसने, ठाकुर ने बनाया है, तब छोड़ने का क्या जरूरत, छोड़ना नहीं। जैसे कितना सुंदर लाइट जल रहा है और कितना सुंदर देखो सिंहासन है बनाया और कितना सुंदर बेड बनाया इसलिए और कितना सुंदर टीवी बनाया देखो और कितना सुंदर सब सब कल्प वृक्ष वहाँ पर ले आए इसलिए कितना सुंदर टेबल बनाया देखो इसलिए कोई बोलते माया 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 ये सब माया है छोड़ो माया, लेकिन ब्रह्मा जी कहते बोले माया नहीं, बोले ताबत है ब्रह्मा जी का तापत लोभादय अमृत। वहां पर ब्रह्मा एक श्लोक में कह रहे तब तक ये माया है, बोले कब तक माया है, बोले जब तक इसको भगवान की भक्ति में नहीं जोड़ देता, ठाकुर जी की भक्ति में जब तक नहीं जोड़ते हो कहती है तब तक माया है, लेकिन भगवान की भक्ति में जो छोड़ जोड़ देते हो वो माया नहीं, वो कृष्ण प्रेम भक्ति हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ना, एक प्रभुपाद का विशेष देन है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये दुनिया भगवान की, विषय विग्रह कृष्ण एकमात्र भोक्ता और जगत में सबके सब उसका भोग्य है, भोक्ता केवल कृष्ण। जब हर चीज को हम कृष्ण सेवा में लगा देंगे, देखो यहाँ पर सारी चीज कृष्ण सेवा में लग रहे हैं ना, लाइट भी कृष्ण सेवा में लग रहा है, सिंहासन भी कृष्ण सेवा में लग रहा है, सोफा भी कृष्ण सेवा में लग रहा है, और माता जी ने इस पर बढ़िया फ्लोर बना दिया देखो कितना सुंदर लकड़ी में फ्लोर बना दिया, जिसमें भक्त लोग बैठी करके हरि कथा कर रहे हैं, जहाँ पर कीर्तन हो रहे हैं, टीवी भी इसमें सुंदर, गुरुदेव जब रहते थे रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, हर चीज को है। इसलिए कहते ये जब सारे चीजों को जब हम कृष्ण सेवा में लगा देते हैं ना, फिर तो माया नहीं, ये माया नहीं, सबके सब भक्ति हो जाता है, सबके सब भक्ति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले कामम क्रोधम भयम स्नेह ऐक सौहृदमेव च, कहते पांच चीज को द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पांच चीज को द्वारा। बोले काम को द्वारा किसने प्राप्त की, बोले गोपियां, उनके हृदय में काम थी तब तो उन्होंने जब पूजा की कात्यायनी को, क्या पूजा करती थी, बोले कात्यायनी महामाये महाजोगी नंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतनम, उन लोगों ने जब कात्यायनी की पूजा की इसी मंत्र से पूजा की, बोले हे कात्यायनी हे महामाये हे महाजोगिन हे अधीश्वरी क्या करो, नंद गोप सुतम देवी हमें जो नंद लाला जो कृष्णा है उसको हमें अपना पति बना दो, वो हमारा पति बन जाए। उनके हृदय में कामना थी, काम थी तब तो उन लोगों ने पूजा की ना, इसलिए तब पूजा की और कृष्ण संतुष्ट होकर दर्शन दिया, फिर उनको